टेशन इज़ ऑन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सेक्शुअल डिस्फंक्शन सेक्स जो है इट इज़ ए मैटर ऑफ करियोसिटी इंटरेस्ट रिसर्च एंड सम विच इज एक्सपीरियंस बाई मजॉर्टी ऑफ द पीपल एंड दे वॉन्ट टू नो मोर बट फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो रह जाता है जिसके बारे में हम बात नहीं कर पाते हैं वी फ्रॉम ए प्रोफेशनल बैकग्राउंड हम काफ़ी सारे पेशेंट्स देखते हैं जो फिजिशियंस के क्लोज आ जाते हैं एंड दे वांट दे वांट टू डिस्कस बट कई बार टाइम कंस्ट्रेन होता है या वैसा सेटअप नहीं होता पेशेंट के लिए सम बडी इज़ वेटिंग आउटसाइड एंड समबड़ी स्टैंडिंग बिसाइड्स तो पेशेंट कंफर्टेबली नहीं बात कर पाता है बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी प्राइवेट एंड वेरी पर्सनल और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज हैं जो बड़ी कन्फ्यूजिंग होती हैं होमोसेक्सुअलिटी हेट्रोसेक्सुअलिटी जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड ऑल दिस थिंग्स जिनको समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है मेजॉरिटी लोगों को डॉक्टर्स आर एट ए बेटर प्लेस सो प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले आई ट्राई टू टेल यू अबाउट सम इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज आई हैव यू टू प्रेजेंटेशन ऑन दीज टर्मिनोलॉजीज ऑल्सो एंड स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड रूलिंग्स रिसेंटली रिलेटेड टू होमोसेक्सुअलिटी एंड देन रिलेटेड टू जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर या जेंडर डिस्फोरिया जिसको बोलते हैं अभी रिसेंटली जिनको थर्ड जेंडर का स्टेटस भी मिला है एंड उसमें सबसे पहला वर्ड आता है सेक्शुअल आइडेंटिटी सेक्शुअल आइडेंटिटी का मतलब है जब एक बच्चा पैदा होता है घर में तो घर वाले खुशियाँ मनाते हैं कि एक बेटा हुआ है या बेटी हुई है और देर इज़ अ थर्ड पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि हे भगवान ये क्या हो गया है ना जिसके लिए हम मेंटली रेडी तो नहीं होते बट इट इज़ अ रेयर पॉसिबिलिटी जिसमें सूडो हारमो ऑफ्रोडाइट और ये सारी चीज़ें आती हैं तो वेन एवर ए चाइल्ड इज़ बॉन ही इज अ मेल ही और शी इज़ अ फीमेल

जेंडर आइडेंटिटी का मतलब होता है साइकोलॉजिकल सेक्स साइकोलॉजिकल सेक्स का मतलब है कि बच्चे को कभी रियलाइज होता है कि वो लड़का है या लड़की है पेरेंट्स को तो तभी पता लग गया जब वो पैदा हुआ बट बच्चों को ये समझ आने में आपके हिसाब सेक्टली इट इज अराउंड टू टू थ्री ईयर्स मैन ए चाइल्ड स्टार्ट रियलाइजिंग लड़का क्या कर सकता है या लड़की कैसी होती है सो so, जेंडर आइडेंटिटी इज बेसिकली साइकोलॉजिकल सेक्स मतलब बींग ए मेल एंड बींग ए फीमेल नथिंग रिलेटेड टू सेक्शुअलिटी और एन्जॉयमेंट ऑन दोज एक्टिविटीज बट इट इज रिलेटेड टू बेसिकली कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ ऐसे लड़कियाँ हैं तो दे विल लाइक टू यूज मोर टॉयज विच आर मोर फीमन फैमिलिन टाइप्स एंड अगर लड़का है तो विल पे मोर बॉयश गेम्स जैसे वो लड़कों के साथ खेलेगा एंड ऑल दो थिंग्स इट स्टार्ट बट जो सेग्रीगेशन है बच्चों में वो अराउंड फाइव ईयर्स बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है इवन uh, मैंने अपने बच्चों में देखा है बींग ए फादर ऑफ ए बॉय एंड ए गर्ल कि जो बेटा है वो उन पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं करता जिसमें बर्थडे पार्टीज़ में लड़कियाँ ज़्यादा हों क्योंकि उसको लगता है कि मैं लड़का हूँ मुझे एक इंसिडेंट याद है मेरा बेटा काफ़ी छोटा था उस टाइम शायद फोर ईयर्स का होगा तो उस दिन बारिश थी तो सारे कपड़े गीले थे तो मैंने उसको उसको उसकी मेरी वाइफ ने कहा कि तू अपनी पिंक शॉर्ट्स पहन ले अपनी सिस्टर के तो उसने कहा नहीं मैं लड़का हूँ मैं पिंक शॉर्ट्स नहीं पहन सकता तो वो जीन्स पहन के सोया था बिकॉज नहीं तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती सो दैट इज़ नॉर्मल उसमें कुछ अजीब नहीं है दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल एंड दैट रिमेन्स नॉर्मल फॉर फाइव टू ट्वेल्व ईयर्स जब तक बच्चे पाँच से बारह साल के होते हैं वो बिहेव ही ऐसे करते हैं कि लड़के जो हैं दे प्ले मोर मस्कुलर गेम्स अभी छः सात महीने पहले की बात है मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था मैंने उससे पूछा बेटा आप क्या करते हो स्कूल में तो उसने कहा पापा लंच के टाइम ना हम तो मिल बैठ के खाना खाती हैं और गाने गाते हैं और शेयर करती हैं लड़के पता नहीं क्यों पागलों की तरह भागते रहते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है बिकॉज मेल आर मोर मस्कुलर एंड फीमेल्स आर मोर फेमिन तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है इट्स परफेक्टली नॉर्मल कभी कभार क्या होता है देर इज अ बॉय बट ही वॉन्ट्स फील्स लाइक ए फीमेल एंड देर आर केसेज दे आर नॉट वेरी कॉमन कंपेरेटिवली दैट इज नोन है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कि कुछ लड़के जो हैं वो हैं तो एक्चुअली लड़के बट दे ड्रेस अप लाइक फीमेल्स एंड दे वांट टू बी इन कंपनी ऑफ फीमेल्स आफ्टर एज ऑफ फाइव इयर्स दैट इज़ नॉट नॉर्मल बट दैट इज़ व्हाट इज़ थर्ड जेंडर जिसको हम बोलते हैं एंड दीज आर द पीपल जो अपने हार्मोनल थेरेपीज कराते हैं और अपनी सर्जरीज भी कराते हैं और बाकायदा ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं बिकॉज वन ऑफ द प्लास्टिक सर्जन इज माई फ्रेंड हु रेगुलरली रेफर्स दिस बिकॉज इट इज़ लीगल टू गेट ऑपरेटेड इवन इन इंडिया बट उसमें यह है कि बिफोर दैट यू शुड हैव ए प्रॉपरेशन बाई ए साइकेट्रिस्ट यानी साइकोलॉजिस्ट क्योंकि रेयरली कुछ डिसऑर्डर्स में इस तरह के थॉट्स आ सकते हैं इसके या कुछ साइकोटिक साइकॉटिकलनेस में बट नॉर्मली दीज पीपल आर परफेक्टली नॉर्मल एंड इवन आफ्टर ऑपरेशन दे फील वेरी हैप्पी और उससे पहले उनको दो साल के लिए कम से कम हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है या उनको उस जेंडर की तरह रहना पड़ता है बट प्रैक्टिकली जो मैंने केसेस देखे हैं दे कम बाय द एज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स

जेंडर रोल्स जो हैं बल्कि आई प्रजेंटेड ए सेमिनार और जेंडर सेंसिटाइजेशन इन स्कूल ऑल्सो आफ्टर दिल्ली में जो रेप केस हुआ था उसके बाद दिसंबर में एंड आई रिमेंबर दैट डे ऑन दैट डे ओनली दैट फीमेल डाइड जिनके साथ वो हुआ था दैन आई प्रजेंटेड जेंडर सेंसिटाइजेशन का सेमिनार इन पुलिस अकेडमी दो दैट वॉज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज पुलिस नहीं चाहती थी कि कोई सवाल ऐसा पूछा जाए जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए और उसकी रिकॉर्डिंग हो तो दैट क्रिएट एड प्रॉब्लम तो वेन आई प्रजेंटेड दो दे रिक्वेस्टेड मी कि यू प्रेजेंट लाइक दिस कि मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल बट दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली ट्रू एंड नाइदर इट इज़ रिक्वायर्ड लड़का अलग चीज़ है और लड़की जो है वो अलग है दोनों को एक साथ जैसा होने की ज़रूरत भी नहीं है सो उसमें क्या होता है कई बार कि जैसे जेंडर रोल्स में सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ अगर कोई भारी सामान है तो हमेशा फादर होगा तो वो उठाएगा भाई होगा तो वो उठाएगा बॉयफ्रेंड होगा तो वो उठाएगा अगर बराबरी होती तो वी शुड टेक टर्न्स या लेडीज़ फर्स्ट होगा या जो सीट देने वाली बात होती है सो दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल तो जेंडर रोल्स जो होते हैं हमारी सोसाइटी भी समझती है कि मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंसेस हैं और उस डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हुए रोल्स भी डिफरेंट है कि फीमेल्स विल हैव मोर केयरिंग टाइप ऑफ रोल्स इमोशनल रोल्स इवन इन आवर स्पेशलिटीज़ ऑल्सो मोर फीमेल विल बिकम गाइनकॉलोजिस्ट कंपेयर टू मोर मेल्स विल बिकम सर्जन्स ऐसा नहीं है कि फीमेल सर्जन्स uh, नहीं है या फीमेल न्यूरो सर्जन्स नहीं है बट दैट इज रेयर थिंग नॉर्मली बिकॉज समबडी इज़ वेरी पैशनेट डेफिनेटली ही कैन गो फॉर इट दैट इज़ नॉट ए इशू सो कल्चर डिफाइन करता है कि लड़कियाँ क्या करेंगी या लड़के क्या करेंगे दैन इज सेक्शुअल ओरिएंटेशन दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग जो सेक्शुअल ओरिएंटेशन है उसमें लड़के को पता है कि वो लड़का ही है और लड़की को भी पता है कि वो लड़की है बट इट वेन इट कम्स टू हैविंग सेक्शुअल डिजायर फॉर सम अदर पर्सन इट कैन भी हैट्रोसे इट कैन भी होमोसेक्शुअल एंड इट कैन भी बाई सेक्शुअल हैट्रोसेक्सुअल मेजॉरिटी लोग जो होते हैं नाइन्टी एट टू नाइनटी सेवन परसेंट पीपल आर हैट्रोसे सम ऑफ दम कैन बी बाई सेक्शुअल ओनली टू टू थ्री परसेंट पीपल आर होमोसेक्शुअलिटी साइकैट्री में पहले इनको इलनेसिस माना जाता था नाइनटीन एटीज तक नाइनटीन एटीज के बाद दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ए साइकेट्रिकनेस डेफिनेटली हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई केस ऐसा जरूर आता है इसमें पेरेंट्स खासकर मेल्स केसेस मैंने ज़्यादा देखे हैं कंपेयर टू फीमेल इसमें पेरेंट्स आते हैं या ब्रदर आते हैं या रिसेंटली जो केस आया था दो हफ्ते पहले उसमें फादर और ब्रदर आए थे दैट सन केम फ्रॉम अमेरिका एंड दे वांटेड की गेट हिम मैरिड बिकॉज वो सत्ताईस साल का था वहाँ पे वेल well सेटल था अब घर वाले चाहते थे कि उसकी शादी कर दें देन ही टोल्ड कि आई हैव ए पार्टनर एंड देट पर्सन इज फ्राम इटली सो ही वॉज ए होमो So फैमिली wanted to नो कि वेदर दिस इज एन इलनेस तो आंसर वॉज नो एंड इट वॉज रेफर्ड बा डॉक्टर वन ऑफ माई डॉक्टर फ्रेंड ओनली सो उसका आंसर था कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि फैमिली को जो घबराहट है उसके लिए अगर उनको दवाई देनी पड़ी तो एक अलग बात है बिकॉज साइगैट्री में कोई मेडिसिन तो होती नहीं है इस बेसिस पे कि आप कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे इट इज जिसको परेशानी हो रही है बिकॉज होमोसेक्चुअलिटी तो कोई बीमारी नहीं है सो इट टुक मी वन आर टू मेक देम अंडरस्टैंड कि देन दे वॉन्टेड की वो यहीं रह जाए यहीं शादी कर ले या शादी भी ना करे कम से कम यहीं रह जाए बिकॉज अगर वो वापस जाएगा तो सोशली इट इज़ ए प्रॉब्लम बट मेडिकली नॉट इवन अगर वी गो हिस्टोरिकली तो ग्रीक में देर वॉज एन आर्मी विच वॉज ओनली ऑफ थ्री हंड्रेड होमोसेक्सुअल्स इवन इन स्पाटा या आपने सुना होगा थी वगैरह में दे ऑल्सो सही की होमोसेक्सुअलिटी वॉज क्वाइट प्रोवलेंट इवन इन आर्मी वेर इवन देर ओनली मेल्स एंड ऑल दो थिंग्स सो दिस थिंग्स डू हैपन इट इज नॉट समथिंग विच इज़ वेरी रेयर दो इट पीपल डोंट नॉट ओपनली टॉक अबाउट इट बट मेडिकली इट इज परफेक्टली नॉर्मल दर इज नो ट्रीटमेंट इज रिक्वयर्ड इवन एलेक्जेंडर वॉज अ बाई सेक्शुअल जूलियट सीजर वॉज अ बाई सेक्शुअल सो देर हैज बिन प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज वो हैव बिन बाई सेक्शुअल इवन इन इंडियन फेटरिटी पीपल हैव बिन होमोसेक्शुअल बाई सेक्शुअल दैन इज सेक्शुअल डिजायर सेक्शुअल डिजायर का मतलब है एक लड़के को लड़की पसंद है या लड़की को लड़का पसंद है आफ्टर प्योबर्टी दट इज परफेक्टली नॉर्मल बल्कि मुझे याद है जब हम एट नाइन्थ स्टैंडर्ड में थे तो किसी फ्रेंड ने मुझे बताया कि पता है फॉरन में ना अगर गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट ना ले तो उसके पापा मम्मी ना उसे डॉक्टर को दिखाते हैं तो बताओ कितने एडवांस और कितने अच्छे माँ बाप होते हैं वहाँ के सो तो इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल आफ्टर प्यूबर्टी इफ समबड़ी इज गेटिंग अट्रेक्टेड टुअर्ड्स ए फीमेल और ए मेल दट इज़ परफेक्टली नॉर्मल बल्कि रादर देर इज नो वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन राइट ना विच आई फील एज ए साइकेट्रिस्ट नॉर्मली सेक्शुअलिटी आती है तेरह से पंद्रह साल में अगर हम अपने दादा दादी की बात करें तो उनकी शादी तेरह से पंद्रह सोलह साल में हो जाती थी डेफिनेटली उसकी गानाकोलॉजिकल इशूज थे डिलीवरीज जल्दी होती थी डेथ रेट ज्यादा थे बट एटलीस्ट सेक्शुअल इशूज़ कम होते होंगे कंपेरेटिवली बच आई गेस हमारे जो पापा मम्मी थे उनकी जो शादी थी वो पच्चीस साल से पहले पहले हो जाती थी अब जो करंट जनरेशन है इवन आई गॉट मैरिड इन ट्वेंटी सेवन दैट वॉज ऑलमोस्ट फाइन बट नाउ पीपल गेट मैरिड इन थर्टी थर्टी टू अब सेक्शुअलिटी जो आ गई वो तो 12-15 साल पे आ गई 17 साल तक यू एक्सपेक्टिंग समबड़ी टू बी प्योर एंड ऑल दो थिंग्स थियोटिकली इट साउंडस वेरी वंडरफुल बट प्रैक्टिकली इट बिकम्स ऑलमोस्ट डिफिकल्ट फॉर मेजोरिटी ऑफ़ द पीपल सो दैट इज अ डिलेमा द सोसाइटी इज गोइंग ऑन बिकॉज सोशल मेच्योरिटी और स्टैंडिंग में तो बहुत टाइम लग जाता है ऑलमोस्ट दस बारह पंद्रह साल लग जाते हैं आफ्टर प्यूबर्टी यू बिकम केपेबल इनफ टू गेट मैरिड बट जो इमोशनल और जो फिजिकल नीड्स हैं वो तो वहीं पे स्टार्ट हो जाती हैं आई सीन मैनी पीपल इन अलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सुसाइड ऑन वॉन्टिंग टू गेट मैरिड एंड ऑल थिंग्स बायोलॉजिकली अगर मेरे से पूछा जाए तो क्या ये बिहेवियर नॉर्मल है गेटिंग अट्रैक्टेड इन अलेवन्थ एंड ट्वेल्थ पेरेंट्स बोलते हैं नहीं हमारा बच्चा तो दसवीं ग्यारहवीं में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता मतलब सोचना चाहिए अगर नहीं सोच सकता तो वो नॉर्मल नहीं है अगर उसके बावजूद तो उसको हैंडल करना सिखाएं हम समझाएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है टीनेज प्रेगनेंसी एंड ऑल प्रेग्नेसी इन दैट इज़ अ डिफरेंट इशू बट हम इसको डिनाई करते हैं तो ये गायब नहीं होने वाला इट इज़ एन एनर्जी विच विल बी देयर वेदर वी एग्री वेदर वी डिसग्री देन द लास्ट थिंग इज कोर आइडेंटिटी वो मैंने बस लिस्ट कंप्लीट करने के लिए डाला हुआ है कोर आइडेंटिटी का सेक्शुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है कोर आइडेंटिटी का मतलब है कि हमारे को जिंदगी में अगर वो सब कुछ मिल जाए जो हम चाहते हैं तो हम क्या करेंगे दैट इज अवर रियल आइडेंटिटी जैसे यू कैन से आमिर खान वुड भी एक्टिंग ओनली और तेंदुलकर विल भी प्लेइंग क्रिकेट ओनली एंड दे आर आर डॉक्टर्स हु प्रैक्टिस फॉर सेवेंटी ईयर्सो सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑल्सो तो लोग बोलते हैं क्या करने की जरूरत है बट दे फील वेरी हैप्पी दे फील वेरी सेटिसफाइड कि सम पीपल आर कमिंग एंड दे आर प्रेजिंग एंड ऑल दो थिंग्स तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कोर आइडेंट मतलब इफ़ यू फील लाइक ट्रीटिंग योर पेशेंट यू लव यट इट्स फाइन यू कैन डू इट इन यूर एंड ऑल्सो रादा रही प्रेजेंटेड ए सेमिनार ऑन रिटायरमेंट तो उसमें मुझे बड़ी हैरानी हुई आमतौर पर एज ऑफ रिटायरमेंट फिफ्टी एट होती है जो बढ़ा के सिक्सटी कर दी है जिसके लिए लोग परेशान होते हैं कि साठ साल भी ज्यादा है जल्दी रिटायर होना चाहिए या कुछ प्रोफेसर्स नहीं मिल रहे तो मेडिकल कॉलेजेस में जो एज है वो सिक्सटी भी कर दी गई है कि ही वुड नॉट बी भीटी बट एटलीस्ट यू कैन बी वर्किंग फॉर नेक्स्ट फाइव ईयर्स बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ए पर्सन कैन वर्क अप टू एटी ईयर्स अस्सी साल तक जो है वो आराम से काम कर सकता है जो भी जो भी पर्सन uh, है अगर हम ये अस्सी साल तक हम प्रैक्टिस करना चाहें तो हम कर सकते हैं इनमें से आप कुछ पूछना चाहेंगे टर्मिनोलॉजी तो जो आपको पता है तो डेफिनेटली होगी सारी की सारी बट मे वे नॉट बी इन दिस मैनर इफ यू टू आस्क एनील फिजियोलॉजिकल नहीं सर कोई डिफरेंस डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता उनमें जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं होता है बायो थियोरेटिकली तो नहीं होता है क्योंकि प्रैक्टिकली भी मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं आई हैव सीन पीपल हु आर वर्किंग आल्सो दे आर गेटिंग मैरिड आल्सो डेफिनेटली दे आर इनफर्टाइल दे कैन नॉट हैव बेबीज एंड ऑल दोस थिंग्स बट बिल्कुल फर्क नहीं होता है और ये कमेंट जो बुक्स में लिखी होती है जेंडर डिस्फोरिया कि पेशेंट दुखी होता है अपने जेनिटल्स को लेकर एग्जैक्टली आई हैव सीन मेल्स वुड बी प्राउड ऑफ देयर जेनिटल्स बट इमेल टेलिंग की आई वॉन्ट दिस टू बी रिमूव अदरवाइज आई फील वेरी डिस्कम्फर्ट एंड एंगजाइटी आप समझ सकते हैं कि कोई लोअर बैकग्राउंड से है वो एक दो लाख रुपए इकट्ठे करता है फिर वो ऑपरेट होता है अगेंस्ट द फैमिली विल तो उसको कितनी परेशानी होती होगी इमोशन ये डिफरेंस or... में सर ये बोलते हैं देखो बेसिक सेक्स जो है वो मेल है कुछ थ्योरीज ये बोलती हैं कि नहीं हो पाई यान दैट वो थोरीज में तो आई एम नॉट केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड और डिबेट ऑन दैट बट देर आर उसमें इशूज होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में किसी ने कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट लिया या दिस इन दैट दैट कैन बी वन ऑफ द सिगमेंट फ्रॉयड जो कहते हैं वो तो हाइपोथेटिकल है सर वो मतलब सिगमेंट फ्रॉइड की जो थ्योरीज की अच्छी बात है वो ये है दो थ्योरीज मेक अस अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स बट उनकी प्रॉब्लम ये है कि नो थ्योरी कैन बी प्रूवन सो दैट्स वाई दोज थ्योरीज स्टिल होल्ड टूडे बट दे डू नॉट होल्ड द फुल प्रॉपर वैल्यू बिकॉज साइंटिफिक होने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो सच में भी ऐसा है दैट इज पॉइंट नेक्स्ट नो ये तो पैथोलॉजी और कुछ पूछना चाहते हैं काफ़ी मुश्किल होता है दैट इज द रीजन सो मेजोरिटी गुरु जीज एंड ऑल से दे हैवर ओन माइनॉरिटी टाइप ऑफ ए कम्युनिटी वेयर दे स्टे टूगेदर एंड मेजोरिटी जो पर्सनली मैंने देखे हैं दे आर डांसर्स और बार एंडर्स और मे बी इन सेक्स सेक्शुअल वर्कर्स ऑल्सो बट मैनी गुड प्रोफेशनल्स ऑल्सो वर्किंग एज एन कैमिस्ट और इन ए प्रोफेशनल एंड गेटिंग मैरिड एंड ऑल दोंग इवन गुड मॉडल्स आर देयर मैनी पीपल आर देयर बट ऐसा नहीं है कि ये हाई सोसाइटी से रिलेटेड है या लो सोसाइटी से बिकॉज इट इज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जेनेटिक और रिलेटेड टू देयर सम डेवलपमेंटल फैक्टर्स विच वी डोंट नो नो लेटेज कम टू नॉर्मल सेक्चुअलिटी कुछ तो ऐसा होगा जो नॉर्मल होगा अगर वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी सो देर आर फोर फेजिज बेसिकली फर्स्ट इज डिज़ायर एक्साइटमेंट और गैजम एंड रेजोल्यूशन ये सारे वर्ड्स भी हमने सुने होंगे बट अगर इनको साइंटिफिकली मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो डिज़ायर फेज का मतलब होता है पर्सन इज जस्ट वॉन्टिंग टू हैव सेक्स जिस इज समी इज थिंकिंग टू डे आई हैव सेक्स सो आइदर इट इज एट द लेवल ऑफ फेंटेसी और इट इज़ सम जस्ट विशिंग टू हैव सेक्शुअल एक्टिविटी टूडे इन दैट केस इट इज ऑल्सो अगेन नोन एज साइकोलॉजिकल बिकॉज इसमें कोई फिजिकल स्टिमुलेशन नहीं होती है बॉडी में दर इज ओनली ए डिजायर एट द लेवल ऑफ माइंड देन कम्स एक्साइटमेंट फेज एक्साइटमेंट फेज का मतलब है नाउ इट इज बायोलॉजिकल बॉडी इज ऑल्सो स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर द सेक्शुअल एक्टिविटी तो इन दिस इन केस ऑफ मेल एल बी रिएक्शन इन केस ऑफ फीमेल इनलाजमेंट ऑफ ब्रेस्ट और देर विल बी यू कैन से इंक्रीज सिक्रीजन इन दजाइन है सो बॉडी इज नाउ प्रपेयरिंग फॉर एक्चुअल सेक्शुअल एक्टिविटी नेक्स्ट कम दर्गेजम फेज ऑर्गेजम फेज में क्या होता है दैट इज दर्सन है पीक सेंसेशन जो होती है द सेक्चुअल टेंशन इज रिलीज बाई रिथमिक कंट्रैक्शन ऑफ पेरीनियन मसलस उसकी वजह से दैट इज ऑर्गेजम इन मेल्स इट विलोसिएटेड विदैकुलेशन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मे नॉट बी इन सम रेयर केसेस और दर कैन बी रिट्रोग्रेट इजाकुलेशन वगैरह अगर प्रोस्ट का ऑपरेशन हुए हैं बाकी सारे इशूज हुए हैं दैन रेजोलूशन फेज का मतलब क्या होता है Uh, during sexual activity, there is uh, increase in blood pressure, there is increase in respiratory rate, so they will come back to normal. again, the second cycle will start. and uh, in case of males, the refractive period during 15 or 18 years can be as small as 15 to 20 minutes. and in uh, age, say 60 or plus, it can be up to 1 to 2 days also. so that is normal phases of sexuality. next. नाओ सेक्शुअल डिस्फंक्शन आप कब कहेंगे जब किसी भी फेज में कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है जिस लीड्स टू डिस्टर्बेंस इज सब सब्जेक्टिव सेंस ऑफ प्लेजर और डिजायर और ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस तो सेक्शुअल डिस्फंक्शन का मतलब है नाओ द पर्सन इज नॉट एबल टू हैव ए प्रॉपर सेक्स आइदर इट इज रिलेटेड टू सेंस ऑफ प्लेजर नहीं है या सब कुछ ठीक है बट उसका मन नहीं करता है डिजायर नहीं है और ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस का मतलब जो पार्टनर है वो उसकी वजह से खुश नहीं है तो एनी ऑफ द एरिया विड लीड टू सेक्शुअल डिस्फंक्शन इट कैन बी लाइफ लॉन्ग और एक्वायर्ड इट कैन बी सिचुएशनल और जनरलाइज इट कैन बी बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और मे बी बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक फैक्टर्स ऑल्सो तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी ऐसा कर ही नहीं पाए जिसमें प्रॉपर मेडिकल <coughs> प्रॉब्लम्स होंगी या एक्वायर्ड है तो इट कैन भी ओवर अ पीरियड ऑफ एज इट कैन भी बिकॉज ऑफ डायबिटीज ब्लड प्रेशर एंड ऑल दोज थिंग्स कि पहले तो सब कुछ नॉर्मल था बट अनडायग्नोज डायबिटिटीज़ या ब्लड प्रेशर था जिसकी वजह से दे डेवलप्ड इम्पोर्टेंस पर एट टाइम्स मेडिकेशन साइकैट्री हम एंटीसाइकॉटिक्स देते हैं या एंटी डिप्रेशन देते हैं या मेडिसिन में वी गिव एज एन एंटी हाइपरसिज एंड अदर ड्रग्स विच कैन ऑल्सो हैम्पर द परफॉर्मेंस इन सेक्शुअल एक्टिविटी सिचुएशनल और जर्नलाइज का मतलब है कि देर आर वेरी इंटरेस्टिंग केसेज जो मैं आगे, आगे आपको बताऊँगा कि सम पीपल आर एबल टू हैव सेक्स विद देर ओन पार्टनर बट नॉट आउटसाइड एंड देर आर अदर पीपल टू हैव सेक्स आउटसाइड बट नॉट विद देर ओन पार्टनर जर्नलाइज का मतलब इन ऑल दिचुएशन साइकोलॉजिकल में यूजली जब यंग पेशेंट्स होते हैं हु आर इन ट्वेंटीज एंड थर्टीज़ सो उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहीं ज़्यादा होते हैं अगर थर्टी फाइव पहले तो फोर्टीज बोलते थे यू शुड लुक फॉर डायबिटीज एंड हाइपर टेंशन बट नाउ तो माई मेडिकल फ्रेंड्स हेयर एंड इवन माई पर्सनल एक्सपीरियंस थर्टीज़ में भी यू हैव टू रूल आउट डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर एंड इट इज़ कॉज इन फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ द टाइम्स बिकॉज ऑफ इंपोर्टेंस स्पेसिफिकली सो मेडिकल कॉजेज आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोमनेंट

अराउजल वेदर समबड़ी इज एबल टू अराउज और नॉट इम्पोर्टेंस वाला इशू इसमें आएगा या फीमेल फेज शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्शुअल एक्टिविटी ऑर्गेजम इट इज़ मोर प्रॉब्लमैटिक विद फीमेल्स कम्पेयर टू मेल्स फीमेल्स टेक मोर टाइम टू गेट देयर ऑर्गेजमिक फेज एंड थर्टी टू फोर्टी परसेंट एट टाइम्स आर नॉट एबल टू हैव एन ऑर्गेजम थ्रू आउट देर लाइफ ऑल्सो पेन अगेन कैन भी बिकॉज ऑफ ए मेडिकल कॉज एंड इट कैन भी बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल कॉज जैसे सेक्शुअल अब्यूज की हिस्ट्री है या फिर uh, कोई रेप विक्टम है या मिथ्स रिलेटेड हैं या स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीव्स हैं दैट कैन ऑल्सो कॉज क्रॉनिक पेन इन फीमेल्स विच मे नॉट हैविंग एनी ऑर्गेनिक कॉज बट बिकॉज ऑफ अर इमोशनल देन जैसे वेजनिज्म इसमें आएगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था उसमें इट वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस रादर द मेल एंड फीमेल वर नॉट एबल टू कॉन्जुगेट द मैरिज बिकॉज जो फीमेल थी उसकी बेस्ट फ्रेंड की डिलीवरी के टाइम डेथ हो गई थी तो उसके मन में डर बैठ गया कि इफ़ विल आई हैव सेक्स तो अल्टीमेटली आई गेट प्रेगनेंट एंड अल्टीमेटली हैव टू डिलीवर ए बेबी तो अगर ऐसा हुआ तो आई कैन ऑल्सो डाई तो उसका जो फियर था हम ये नहीं कह सकते कि जेन्यन नहीं था बट इट वॉज आउट ऑफ प्रपोर्शन क्योंकि डिलीवरीज तो सभी की होती हैं मेजोरिटी तो इट इज सेफ ओनली इन माइनॉरिटी ऑफ द केसेज इट लीड टू सो दैट वॉज वेरी क्लासिकल हिस्ट्री विच आई फाउंड इन दैट पर्टिकुलर केस सब्सटेंस यूज में जितने भी नशे हैं चाहे वो अल्कोहल है कोकेन है गांजा या चरस है ये सारे जो नशे हैं ये इनिबिशंस को कम कर देते हैं जैसे दे ऑलवेज ए कॉमन टर्म होती है अल्कोहल के लिए इट इंक्रीजेज द डिज़ायर बट डिक्रीज द परफॉर्मेंस बिकॉज शर्म या झिजक झिझक जो है वो कम हो जाती है तो पीपल विल इंडल्ज इन सेक्शुअल एक्टिविटी मोर कम्फर्टेबली आफ्टर टेकिंग सब्सटेंस बट जो परफॉर्मेंस है या वेस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अल्कोहॉल तो से तो बल्कि एक डिसऑर्डर होता है जो शायद आपने सुना हो बिकॉज इट इज अट्रिकल इज नोन एज डिलिटी एंड इज अ ट्रायड पर्सन इज टेकिंग अल्कोहल अल्कोहल की वजह से वो इम्पोर्टेंट हो गया ही इज नॉट केपेबल ऑफ हैविंग प्रॉपर सेक्स इस वजह से वो अपनी वाइफ पर शक करता है सो दिस इज अ ट्रायड विच आई टीच टू मेडिकल स्टूडेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो सो अल्कोहल इज द कल्पेट एंड आई है कि डायबिटिक पेशेंट है ही इज नॉट ही इज़ नाउ हैविंग इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ डायबिटीज सो डायबिटीज की तो उसको प्रॉब्लम है ही बट ही हैविंग बिलीव कि शायद मेरी वाइफ का चक्कर चल रहा है एंड दिस इन दैट ऑल दो थिंग्स विच इज़ नॉट देयर सो दैट इज बिकॉज ऑफ सब्सटेंस मेडिकल कंडीशन डेफिनेटली मेडिकल कंडीशन कैन कॉज सेक्शुअल प्रॉब्लम नेक्स्ट सो डिजायर में टेन टू फिफ्टीन परसेंट जो लोग होते हैं देयर सेक्शुअल डिजायर इज कम्पेरेटिवलीस देन एवरेज दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से सेट इज नॉर्मल सो टेन टू फिफ्टीन परसेंट एंड वन टू टू परसेंट मेल्स या फीमेल्स तो ऐसे हो सकते हैं दे डो नॉट हैविंग सेक्शुअल एक्टिविटी दो कंपेरेटिवली मेल्स डिज़ायर कम्पेयर टू फीमेल्स जैसे एक कमेंट होता है कि फीमेल वुड लाइक टू हैव लव केयर चॉकलेट्स आइसक्रीम्स एंड सम शॉपिंग मूवी इन दिस कैंडल लाइट डिनर बट मैन वुड लाइक टू हैव ओनली वन थिंग दैट इज सिक्स दैट इट एंड इसमें इट कैन बी बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी डिप्रेशन और हॉस्टिलिटी घबराहट अगर ज़्यादा होती है टेंशन होगी सेक्शुअल एक्टिविटी के टाइम जो मैरिजेज़ के टाइम में मेजोरिटी केसेस में घबराहट ज़्यादा होती है डिप्रेशन कैन बी अगर किसी को सॉलिड डिप्रेशन है डेफिनेटली हिज लिबो विल गो डाउन अगर अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो भी डिजायर जो है वो कम हो जाएगा अगर डाइवोर्स होने वाला है या लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है दैट कैन बी प्रॉब्लम एवर्जन में दिस इज़ इंटरेस्टिंग इसमें दोनों तरह तो के केसेस के देखे हैं मैंने ऐसे केसेस भी होते हैं कि पर्सन एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था उसमें क्या था कि दैट फेलो वॉज नॉट एबल टू कॉन्जुमेट हिज मैरिज जबकि हिस्टोरिकली ही हैड मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स रीज़न क्या था ही वॉज ए फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड ही वॉज ओनली सिक्स पास जो उसकी वाइफ थी शी वॉज अ ग्रेजुएट तो साइकोलॉजिकली शी वॉज एट ए हायर स्टेटस कंपेयर टू हिम तो इसलिए ही वो मैरिज को कॉन्जूमेट नहीं कर पा रहा था दैट वॉज द मेंटल ब्लॉक सेकेंड इंटरेस्टिंग केस था एक और पेशेंट का ही वॉज हैप्पीली मैरिड एवरीथिंग वॉज फाइन एंड देर वॉज अ फीमेल हु वॉज अ डाइवोर्स इन द ऑफिस एंड शी वॉन्टेड टू हैव रिलेशनशिप एंड द मेल कुड नॉट से नो एंड द इवेंट बट वो कुछ कर नहीं पाया वहाँ जाके ही केम टू मी ही टोल्ड कि क्या हुआ ये वो तो सिंस ही वॉज अ फादर ऑफ टू किड्स हैविंग नॉर्मल सेक्शुअलिटी अपनी वाइफ के साथ तो मैंने उसको यही समझाया बनका अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ एटलीस्ट यू आर सेव्ड जो नहीं हुआ और अल्टीमेटली अच्छा ही तो हुआ बट उसने कहा कि नहीं सर मेरी तो बेजती होगी ना वो किसी को बताएगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी तो मुझे एक बार तो प्रूव करना ही करना है तो अब सिंस मैं कोई साधु तो हूँ नहीं मुझे तो प्रोफेशनल एडवाइस देना है सो आई हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड नॉर्मली क्या होता है इफ़ समबडी इज़ वेरी कमिटेड इन हिज लाइफ बल्कि मैंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो भी देखा था यूट्यूब पे दैट इज़ पावर ऑफ लस्ट करके है अच्छा वीडियो उसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं सेवन एट उसमें एक एक्सपेरिमेंट था कि इफ़ पीपल आर इन डीप लव दे हैव ब्लॉकिंग टुवर्ड्स अदर फीमेल्स अगर एक मेल कमिटेड है एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में ही विल हैव प्रॉपर ए प्रॉब्लम्स अगर आपको याद हो तो प्यार के साइड इफेक्ट्स मूवी आई थी उसमें भी ये वाली प्रॉब्लम थी सो so, वर्जन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टनर को और अगर सिर्फ वाइफ को लेके होती है तो इट मे बी दैट मैरिज इज ऑन द रॉक्स और डाइवोर्स एंड ऑल दोज इशूज सो वैसे तो फिजिकली दे आर परफेक्टली नॉर्मल बट वैन इट कम्स टू देयर ओन पार्टनर तो उसकी शक्ल देखते ही जब सर में दर्द हो जाता है तो सम बड़ी वुड नॉट लाइक टू हैव सेक्स सो दैट इज द रीजन विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर बट केसे डेफिनेटली आते हैं ऐसे केसेस एनी बडी वनीथिंग सो नेक्स्ट अराउजल प्रॉब्लम्स में फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होती हैं बिकॉज इनिबिशन ज्यादा हैं हमारा कल्चर जो है अब तो नहीं बोल सकते बट से ट्वेंटी फिफ्टी ईयर्स बैक फीमेल्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस देयर सेक्शुअलिटी तो दैट कुड भी द रीजन मेल्स में जो सबसे आसान तरीका होता है कि ये कैसे पता लगाया जाए कि ये ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से है या ये साइकोलॉजिकल है तो इट्स वेरी सिंपल इट इज सर वो प्रेजेंटेशन पूरी नहीं हो पाएगी नहीं तो नहीं वो सर ऑर्गेजम की बात नहीं वो ऑर्गेजम की बात की थी मैंने मैं ऑर्गैजम की बात की थी मैंने सेक्सुअलिटी अराउजल की बात नहीं की थी अराउजल का मतलब है इच्छा नहीं हो रही है दे आर नॉट बींग वन परसेंट के आसपास होता है और नॉट एट ऑल रिलेटेड इन इंटरेस्टेड इन सेक्शुअल एक्टिविटी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है इफ समबड़ी सेज ही हैज हैजोंटेनियस इरेक्शंस सेकेंड एज ही हैज मॉर्निंग इरेक्शंस मॉर्निंग इरेक्शन इसलिए होते हैं इसलिए नहीं होते कि उसमें कोई इंजॉयमेंट या सेक्शुअलिटी का लेना देना है द मेन रीजन इज टेस्टोस्टेरॉन्स जो होते हैं वो ट्वाइस द अमाउंट होते हैं नॉर्मल इन द डे टाइम मॉर्निंग टाइम तो सुबह इरेक्शन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर somebody इज़ बेकिंग अप इन द मॉर्निंग एन दर इज़ नॉट एन एन इरेक्शन दैन इट इज़ ए साइन ऑफ ऑर्गेनिक इलनेस और अगर इरेक्शन है तो इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल क्योंकि ये इससे रिलेटेड काफ़ी मिथ्स होती हैं खासकर जो सेमी एजुकेटेड या इलिटरेट लोग होते हैं उनको बड़ी कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ को लेके

मे बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल मेडिकल रीजन इन अदर थिंग्स सो अराउंड द एज ऑफ एटी सेवेंटी फाइव परसेंट को यह प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट एनऑर्गैजम का मतलब है दिट इज नॉट हैविंग ऑर्गैजम इट इज मोर इट इज वेरी अनकॉमन इन मेल्स बट नॉट सो अनकॉमन इन फीमेल्स अगेन मोर साइकोलॉजिकल रीजनस आर देयर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव एन ऑल दो थिंग्स तो उसकी वजह से अन ऑर्गैजियाँ होता है कि दे डो नॉट हैव दीक सेंसेशन इसमें पार्टनर कॉपरेशन और नॉर्मली हिंदुस्तान टाइम्स में साल दो तो साल पहले की बात है काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह आते थे नॉर्मली जैसे इट प्रॉब्लम्स विद टाइम गोज अवे बाय द एज ऑफ थर्टी थर्टी फाइव बिकॉज अब तक फैमिली कंप्लीट हो जाती है दो दो बच्चे या एक बच्चे जो भी हैं रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है सो दे आर एबल टू एक्सप्रेस मोर कंफर्टेबली अबाउट एंड टॉक अबाउट देयर सेक्शुअलिटी द मेजॉरिटी विल सेटल डाउन इवन इफ दैट इज नॉट देयर देन दे कैन गो फॉर ए थेरेपिस्ट एंड इन मेल्स द प्रॉब विल बी प्री मेचोर जैकुलेशन नॉर्मल टाइम सेक्शुअलिटी का कितना होता है लगभग एनी आइडिया फाइव मिनट्स टेन मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स में तो सुपर मैन बन जाएगा नॉर्मल टाइम इज टू टू सिक्स मिनट्स में मूवीज देख के कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है लोगों का बिकॉज मूवीज आर फॉर फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स सो मेनली टाइम इज टू टू सिक्स मिनट्स नेक्स्ट लाइट पहले

इनफर्टिलिटी कहने के लिए वी हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट ट्वेल्व मंथ्स ऑफ प्रॉपर एक्चुअल एक्टिविटी देन ओनली वी कैन से समबडी इज़ हैविंग इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स सो कई बार टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ही कम होते हैं कई बार हाइपो एक्टिव डिजायर कम है तो डोपामिन लेवल कम होगा अराउजल में नॉर एपिन एंटी हाइपरटेंसिव वगैरह अगर यूज़ करते हैं या डिप्रेशन के लिए एक्सरसराइज देते हैं या एंटीसाइकोटिक्स देते हैं दे केन ऑल्सो हैव ए बियरिंग ऑर्गैज में सिरोटनिन जो है प्रीमेच्योर इजाकुलेशन के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बन जाता है बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट बिकॉज इट विल प्रोलॉन्ग द टाइम ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटी नॉर्मली प्रीमेच्योर इजाकुलेशन के लिए वी सेव समीज है विद इन वन मिनट तो अगर एक ही मिनट में हो जाता है देन देर इज ए प्रॉब्लम देन वी कैन गो फॉर मेडिसिन और देर आर समर टेक्निक्स ऑल्सो एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज एस एस आर आइज टी सी एस जो देते हैं उससे भी ये फायदा हो सकता है बट टी सी एस के साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे इसके कारण जो हैं वो ये बोले जाते हैं कि मे बी ड्यूरिंग वेन पीपल स्टार्ट विद है सो शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टाइम शी वट्स एज फास्ट एज पॉसिबल सेकेंड थिंग इज ड्यूरिंग अडोलोसेंट दर इज अ चांस ऑफ बींग कॉट सो पीपल आर इन हरी और दे माइट हैलोज ऑन ओनली और

इससे ज्यादा उनकी सोच नहीं होती है मेजोरिटी की सो दैट इज द रीजन दैट इट कैन फॉर्मुलेट नेक्स्ट स्टार्टिंग में जो रिएक्शन होते हैं टू अपी ईयर्स बिफोर दे कम टू ए प्रोफेशनल और ऐसा नहीं है प्रीमेशन में बेबीज होने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो समबड़ी इज इवन इज अगर उनके बच्चे भी हैं

प्रॉब्लम है और टैबलेट लेने से बेटर हो जाती है तो नथिंग लाइक दैट और सम साइकोलॉजिकल इमोशनल इश्यूज हैं नेक्स्ट स्टार्टिंग में लोग खुद ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मेल्स के लिए जो नॉर्मली जो सेक्शुअल स्टूमुलस होता है दैट इज विजुअल दैट्स विजल दैट इज सो मच ऑफ एंड ऑल दो वैन इट कम्स टू फीमेल्स इट इज मेजोरिटी टाइम्स इमोशंस जैसे फ्लावर्स कैंडल लाइट एंड मूवीज एंड ऑल थिंग्स सो जो मेल्स होते हैं दे ट्राई नॉट टू टच ओनली टू हैव सेक्स तो इंजॉयमेंट तो वहीं ख़त्म हो गई बिकॉज नाउ जो सेक्स है इट इज़ नॉट सेक्स एनी मोर नो मोर इमोशनल इट इज़ ए परफॉर्मेंस बेसिकली बस बंदा जो है ही हैज टू परफॉर्म अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये भी काम नहीं करती दे ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट जैसे मैंने तो पढ़ा था अगर नेपोलियन जो था वो मैथ मैथमेटिक्स करता था अपने दिमाग में वेन यूज टू हैव सेक्स तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग वॉट समथिंग एल्स कि अगर वो किसी और तरफ ध्यान लगाएंगे तो इट व इंक्रीज द टाइम देन दे बिकम मोर फिजिकल फिजिकल इन द सेंस नॉट इमोशनली फिजिकल वो अपने आप को पिंच करते हैं या काट लेते हैं ताकि जो पेन हो गई तो दे विल बी डिस्ट्रैक्टेड देन दॉम्स ऑफ द रिलेशनशिप इज लॉस्ट समी इज हैविंग सेक्स इन दिस मैनर कि वो हाथ ही नहीं लगा रहा है या फिर वो अपने आप कहीं और ही सोच रहा है कोई और ही बात कर रहा है और उसके बाद फि और फिजिकली ही इज़ नॉट इन्वॉल्व और ही इज मोर इंटरेस्टेड इन पुटिंग पेन टू हिमसेल्फ तो उसकी वजह से रिलेशनशिप विल बी लॉस्ट प्लस द मेल विल बिकम ए स्पेक्टेटर रोल उसका सिर्फ यही काम रहेगा कि कुछ हो पाएगा आज के नहीं हो पाएगा देन इज सेकेंडरी इंपोर्टेंस बिकॉज साइकोलॉजिकली इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज होंगे तो इसलिए इरेक्शन में भी प्रॉब्लम हो जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नाउ द साइकोलॉजिकल रीजनिंग इज लीडिंग टू सेकेंडरी इंपोर्टेंस नेक्स्ट सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्शुअल मेडिसिन कम से कम एक मिनट से टाइम कम है देन ओनली वी कैन से समबडीज प्रीमेचोर जैकुलेशन अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी इसकी तो और नॉर्मल टाइम इज अराउंड टू टू सिक्स मिनट्स एट टाइम्स इट कैन गो अपन बट मेजोरिटी टाइम इट इज टू टू सिक्स मिनट्स दूसरी डेफिनेशन भी है इसमें वो ये है कि फीमेल शुड बी केपेबल ऑफ ऑर्गेजम आल्सो एंड सेकंड थिंग इज 50 परसेंट ऑफ द टाइम मेल इज एबल टू सेटिसफाइड द फीमेल अगेन ये बड़ी मिथ होती है जो मूवीज़ में दिखाते हैं या कि वो पीपल हैविंग ऑर्गैजम एट ए सिंगल टाइम इट मे नॉट हैपन इन ईयर्स टूगेदर नॉर्मली सेक्स एक ऐसी एक्टिविटी है यू कैन से एट वन डे वन कैन ओनली एन्जॉय कम्प्लीटली टुडे इज माई डे एंड टूडे इज हर डे अगर दोनों एक साथ करेंगे तो दे विल बी मोर हैविंग मोर फ्रस्ट्रेशन सो इससे अगर प्रॉब्लम होगी तो डिस्ट्रेस एंड एंड इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज फीमेल दैट्रेस एंडल्टीज एंडली मैरिडर इन दोन टूडमेंट सो नॉर्मली जो है न्यूली मैरिड होते हैं पीपल आर वेरी एंशियस वेन जैसे नॉर्मल ज्वाइंट फैमिलीज़ हैं उसमें प्राइवेसी इशूज होते हैं दैट एंड देन इवन इफ दे गो टू हनी मून एंड दे डो नॉट हैव एनी बेसिक नॉलेज एंड ऑल दो थिंग्स सो और एंड द फर्स्ट टाइम दे आर इंडल्जिंग इन सेक्शुअल एक्टिविटी तो दे बिकम ओवर एंशियस और ओवर एक्साइटेड तो एंगजाइटी का ही ये पार्ट हो सकता है विच कैन ऑल्सो लीड टू प्री मेच्योरी जैकुलशन एट टाइम्स तो कई बार ऐसा भी होता है पीपल हुआ सफरिंग फ्राम एंग्जाइटी डिसऑर्डर कि उनको हर काम की जल्दी रहती है घबराहट रहती है टेंशन रहती है तो उसमें सेक्शुअलिटी भी जल्दी रहती है अगर आप उनकी एंगजाइटी ट्रीट कर दीजिए तो प्रीमेचोर जैकुलेशन अपने आप ठीक हो जाएगा दूसरा जो है वे अगर अब ये ऑर्गेनिक है या साइकोजेनिक है तो उसमें अब इफ देर इज एन इरेक्शन एंड एवरी थिंग इज नॉर्मल एंड विद टाइम इट इम्प्रूव बड़ा सिंपल सा सवाल होता है कि नॉर्मली व्हेन पीपल आर यूर मैरिड आल्सो यू विल आस्क कि अगर आपने पहली बार सेक्स किया तो कितना टाइम लगा और जब आप दूसरी बार करते हैं तो कितना टाइम लगता है तो दिस वेरी क्वेश्चन इफ द पर्सन सेज कि सर पहली बार तो तीस सेकेंड या एक दो मिनट में ही हो जाता है जब दूसरी बार करते हैं तो इट टेक्स फोर मिनट्स और फाइव मिनट्स और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो इसका मतलब विद टाइम इट विल इम्प्रूव बट कई लोग क्या करते हैं दे डू ए बिग मिस्टेक मतलब कई बार तो सिर्फ यही एडवाइस देना होता है पेशेंट्स को इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है बट दे डू इज बिकॉज दे आर हैविंग प्री प्रीमेच्योर एजैकुलेशन सो दे इंडल्ज इन सेक्शुअल एक्टिविटी विद लेस फ्रीकुंसी उनको लगता है कि जितना दूर जितना ज़्यादा गैप देंगे उतनी ज़्यादा फ़ायदा होगा बट एक्चुअली इट इज़ अपोजिट कि जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा जल्दी सेक्शुअल एक्टिविटी होगी बिकॉज़ नेचर का मेन पर्पज़ तो सेक्स का ये है कि देर इज़ अ प्रोपोगेशन ऑफ स्पीशीज़ कि लोग जो हैं वो बच्चे पैदा हों दैट इज़ द मेन साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द सेक्शुअल एक्टिविटी इसीलिए इसमें प्लेजर भी जुड़ा हुआ है तो ये जो गलती करते हैं लोग इसकी वजह से प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ज नाउ ट्राइंग आफ्टर थ्री डेज इंस्टेड ऑफ एवरी डे और वो जल्दी हो गया तो हिल ट्राई आफ्टर सेवन डेज एंड फिफ्टीन डेज सो ही फॉल्स इन ए ट्रैप उसकी वजह से उसको इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाएंगी कि जैसे ही वाइफ के पास जाएगा प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू इरेक्शन ऑल्सो फॉर गेट प्री मेच्योर जैकुलशन तो बढ़ी गया टाइम के साथ प्लस देर इज इरेक्शन प्रॉब्लम ऑल्सो सो अगर आप सिंपल उसको यही एजुकेट कर दें कि वेन यू डू सेक्स फॉर द फर्स्ट स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत एंगजाइटी नॉर्मल होती है

तो जितने ज़्यादा पैसे पेशेंट खर्च करता है उतनी जल्दी ठीक हो जाता है बिकॉज एक्चुअली कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इट इज गेम ऑफ साइकोलॉजी ओनली क्योंकि उसको पैसे दिए उसने तो उसकी मन की तसल्ली हो गई क्योंकि उसकी मन की तसल्ली हो गई तो वो ठीक हो गया अब उसमें वो इंजेक्शन लगाएँ या कोई तेल दें या कोई गोली दें या जो बूटी दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सो प्लेसिबो इफेक्ट हैज़ ए वेरी सॉलिड रोल इन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऑल्सो इफ इट इज साइकोजेनिक इन प्रीमिच्योरुलेशन ऑल्सो एट टाइम्स इवन सजेशन और एजुकेशन से भी काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दस uh, पंद्रह साल पहले तो खैर मिथ्स बहुत ही ज्यादा थी अब तो इंटरनेट है और ग्लोबलाइजेशन है पीपल मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऑलरेडी हैव द नेट ऑफ द टाइम्स और कई बार तो पेशेंट आते हैं वो खुद ही बता देते हैं सर मुझे साइकोजेनिक है सो ओनली थिंग रिमेन्स इज क्योंकि इंटरनेट में काफी कुछ सही भी होता है काफी कुछ गलत भी होता है अगर वो प्रोफेशनल साइट देखेंगे तो डेफिनेटली दे विल हैव गुड एडवाइस बट दे पीपल ट्रेंड टू गो टू अन पर्सनल अकाउंट मतलब किसी का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जो उसने लिखा है वो तो कुछ भी हो सकता है सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि जैसे वी आर प्रोफेशनल्स तो हमें तो पता है कि मेडिकली किस को इम्पॉर्टेंस देनी है किस सिम्टम को नहीं देनी है अब अगर कोई दवाई का भी साइड इफेक्ट देखता है तो उसके पचास साइड इफेक्ट होते हैं इसमें से दो कॉमन नहीं होते हैं बाकी फोर्टी एट नहीं होते हैं तो पीपल दैट इज द प्रॉब्लम सो मोर ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम एट टाइम्स सो द मेन थिंग इज Uh, इसमें सारे मेथड्स हैं जैसे साइकोडाइनमिक तो खैर थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा कि हिप्नोसिस एंड रिलैक्सेशन इन इंडिविजुअल रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है रिड्यूसिंग एंगजाइटी जैसे अगर किसी को घबराहट ज़्यादा होती है कि कई लोग एंशियस होते हैं इसीलिए उनको प्रीमेच्योर जैकुलेशन भी होती है देर एंग्जाइटी टेम्परामेंट है और एंग्जाइटी अगर खत्म हो जाती है तो वो भी सेटल हो जाता है दैन देर इज स्क्वीज टेक्निक होती है और एक ड्यूल सेक्स थेरेपी होती है स्क्वीज टेक्निक में द स्क्वीज इज अप्लाइड बाय द फीमेल पार्टनर तो उसमें क्या होगा पैरस्टिल्टिक मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी तो अगेन एक सेक्सुअल साइकिल सपोज इट कम्स लाइक दिस समथिंग लाइक दिस नॉर्मली जो मेल सेक्सुअल साइकिल होती है इट विल बी समथिंग लाइक दिस इट कम वेरी फास्ट इट विल गो एंड फीमेल्स विल बी समथिंग लाइक दिस सो अगर यहाँ पे क्योंकि मेल्स को तो ऑलरेडी पता होता है वेन दे आर अबाउट टू जैकुलेट सो अगर वो रुक जाते हैं चाहे वो स्क्वीज टेक्निक से होता है एक स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक भी होती है यू आर इंडल्जिंग एन एक्शुअल एक्टिविटी यू नो दैट ए पर्सन इज अबाउट टू जैकुलेट अगर वो रुक जाता है सो देयर मै बी सम लॉस ऑफ अट्रैक्शन अगेन द टाइम विल इंक्रीज सो दैट कैन इंक्रीज द टाइम तो दिस इज अ वेरी सिंपल मैथडो स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्नीक होती है दैट कैन बी वेरी इफेक्टिवली अप्लाइड इन यंग कपल्स प्लस देर कैन बी स्क्ज़ टेक्निक प्लस रॉ मैथ यू कैन से इज़ यूजिंग टू कॉन्डम्स बिकॉज अगर दो कॉन्डम अप्लाई करेंगे तो उससे स्टमुलेशन कम होगी तो टाइम लंबा हो जाएगा सेकेंड थिंग इज अगेन वेरी रॉ मेथड बट वेरी सक्सेसफुल यू कैन से समबड़ी कैन मास्टर बेड प्रायर टू हैविंग ए सेक्शल एक्टिविटी तो उसकी वैसे ही टाइम लंबा हो जाएगा बिकॉज सेकेंड टाइम वन समड़ी इन दलजीजन सेक्शल एक्टिविटी कंपेरेटिवली टाइम ज्यादा होता है तो एक बार माइंड से वो मेंटल ब्लॉक हट गया तो प्रॉब्लम वैसी खत्म हो जाएगी इफ इट इज़ साइकोजेनिक

किस चीज़ के लिए सर वैक्यूम पंप अगर जैसे डायबिटिक पेशेंट है और उसमें इरेक्शन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं देन इट इज गुड बिकॉज उसमें वेस्कुलर इन हो जाएगी तो वो रिंग अप्लाई करेंगे एंड देन दे कैन मेंटेन दैट इरेक्शन बट ये है कि एट टाइम्स दैट इज़ रिटर्न इन वेस्टर्न बुक्स हम तो वही पढ़ते हैं बींगटरेस्ट सो so उसमें एट टाइम्स फीमेल मे नॉट बी सेटिसफाइड मे बी एग्रींग मे नॉट बी एग्रींग बट अदरवाइज वैक्यूम पम्प का वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है पर्सनली एज ए प्रोफेशनल मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है बट थियोरेटिकली स्पीकिंग कोई साइड इफेक्ट नहीं है इट कैन बी परफेक्टली यूज इन डायबिटिक पेशेंट्स ऑल्सो वेर ये करके कंपनी आती है उसका पंप भी आता है सो दैट इज फाइन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब इट इज रिकमेंडेड इन द बुक्स सर फोर प्ले में तो बल्कि उल्टा हो जाएगा ना जैसे कई बार क्या होता है फोर प्ले इज़ वेरी प्रोलॉन्ग्ड सो व्हेन आफ्टर दैट ए पर्सन इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटी तो ही माइट एजैकुलेट वेरी फास्ट दैट कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लमैटिक रीजन इन इन केस ऑफ मेल्स अगर वो ज़्यादा जल्दी एक्साइटेड हो जाता है तो उसमें कई बार प्रॉब्लम क्या होती है लोग फोर प्ले ही बंद कर देते हैं और वो सीधा सेक्शुअल एक्टिविटी पे चले जाते हैं उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज वेन द डायरेक्टली गो टू सेक्शुअल एक्टिविटी फीमेल पार्टनर इज़ नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज शी इज़ नॉट मेंटली रेडी सो so, इसमें नॉर्मली जैसे वही है एक आप नई कार चलाना सिखाते हैं तब भी यू हैव टू हैंडल द रेस एंड ब्रेक एंड ऑल दो थिंग्स इट टेक्स टाइम महीना भर लगता है कम से कम गाड़ी सीखने में सिमिलरली सेक्शल एक्टिविटी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि है तो वह नेचुरल बट इट ऑल्सो टेक्स टाइम इफ देर इज बेटर एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स दीज प्रॉब्लम विल कम डाउन तभी जैसे रिलेशन डेवलप हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो जाएंगी कम्पेरेटिवली अगर रिलेशन डेवलप नहीं है तो बिकॉज इफ़ वी आर कॉम्युनिकेटिंग म्युनिकेटिंग इन डे टू डे लाइफ ऑलसो और बाकायदा ये कमेंट है कि द रिलेशनशिप इन द बेड डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप इन द डे अगर दिन अच्छा गया है अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो सेक्शुअल रिलेशनशिप भी बेटर हुआ अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो सेक्शुअल रिलेशनशिप भी में भी प्रॉब्लम होगी बट यहाँ पे एक कैच भी है जो मेल्स होते हैं उनके लिए सेक्स सिर्फ सेक्स होता है तो दे कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए सेक्स एंड इमोशनल थिंग बट फीमेल्स के लिए दोनों सेंटर्स एक साथ स्टमुलेट होते हैं

जो एस एस आर आईज हैं दे आर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन एंड दे आर क्वाइट सेफ ड्रग्स और ये ड्रग्स काफ़ी लॉन्ग टर्म से यूज की जाती हैं इनका साइड इफेक्ट है मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स दे विल हैव प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ इरेक्शन प्लस देर इज वन मोर साइड इफेक्ट ऑल्सो डिजायर कम भी हो सकता है सम पेशेंट्स रिपोर्ट सम डू नॉट नेक्स्ट सो नेक्स्ट कर दो इसको मैके छोड़ो तो बेसिकली बिकॉज इसमें क्या होता है सरोटनिन जो है वो डोपामिन को इनिबिट करता है सरोटनिन जब डोपामिन को इनिबिट करता है तो डिजायर फेज में तो डिजायर कम हो जाता है बट ऑर्गेजम फेज वो जो टाइमिंग है दैट इंक्रीजेज सो दैट मेक्स दिस वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनी बडी हुई इज सफरिंग फ्रॉम प्री मेच्योर जैकुलेशन इवन इफ यू नो फॉर श्योर दैट इट इज़ ए साइकोजनिक रीजन नॉट एन ऑर्गेनिक रीजन स्टिल यू कैन गिव एन एस एस आर आई उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो मेंटल ब्लॉक हट जाएगा देन ही कैन स्टॉप द मेडिसिन आफ्टर दैट प्लस समबड़ी इज हैविंग एन एंगजाइटी डिसऑर्डर तो भी यू कैन गिव ऐसा एसराइज उसकी घबराहट कम हो जाएगी तब भी टाइम सेटल हो जाएगा सो बोथ वे इट कैन बी हेल्पफुल फॉर एंगजाइटी डिसऑर्डर ऑल्सो फॉर डिप्रेशन ऑल्सो एंड फॉर प्रीमे इन द बुक्स इट इज़ अ वेलकम साइड इफेक्ट बट एट टाइम्स इट जो नॉर्मल लोग हैं उनमें प्रॉब्लम भी हो सकती है इंक्रीज अपू फिफ्टीन टू ट्वेंटी सो इन दट केस तो दवाई बंद करनी पड़ती है इन नॉर्मल पीपल हुन और एंगजाइटी बट समीज प्री मे जैकुलेशन टाइम इंक्रीज इज बाई से टू टू सिक्स टाइम्स कंपेरेटिवली जो पहले का टाइम है बट जैसे वन ऑफ द एक्सरसाइज इज प्रोक्सिटीन सो इट कैन भी यूज फॉर डिप्रेशन ओसी डी पैनिक डिसऑर्डर जी ए डी सोशल फोबिया

they have tendency to cause nausea specifically in initial 3 to 7 days coffee उल्टी का मन करता है जब भी लोग ऐसा स्टार्ट करते so they tend to cause nausea that's why they should be taken with food uh, peroxetine per se can cause more sleep and it can cause anticholinergic side effects like constipation and weight gain but floxetine uh, will have opposite side effects it would not cause weight gain rather it is given in the daytime but ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कुछ को पेरॉक्सीटीन से भी नींद ना आए कुछ को फ्लॉक्सीटीन से भी आ जाए दैट इज पॉसिबल नेक्स्ट ड्रग इंट्रैक्शन में ट्रिप्टोफेन वारफेरिन एंड पेमोजेड पेमोजेड और तो और ट्रिप्टोफेन दीज ऑल थ्रीज आर साइकैट्रिस्ट ड्रग बट आर नॉट यूज्ड राइट नाउ प्रैक्टिकली

ट्वेंटी एम जी दें या 25 फाइव एम जी सी आर दें रात को दें प्रिफरेबली बिकॉज नॉर्मली पेशेंट को क्या लगता है कि मैं दवाई लूंगा तभी तो कुछ हो जाएगा जबकि ऐसा नहीं है दवाई का इफेक्ट आने में दस बारह दिन का टाइम लगेगा और जो दवाई लेंगे उसका चौबीस घंटे असर रहेगा तो इट इज़ नॉट लाइक स्लाइडन फील और व्यागरा कि यू टेक ए मेडिसिन वन आवर प्रायर एंड देर विल बी इंक्रीज इन रिएक्शन ऐसा नहीं होगा ऐसा सर आई में दे विल टेक देर ओन स्वीट टाइम ऑफ एट टाइम्स टू टू फोर वीक्स देन द इफेक्ट विल बी देयर इट विल विलटेन विल विल इंक्रीज इंक्रीज इट डिपेंड करता है अगर साइकोलॉजिकल है तो आप मेडिसिन बंद कर दीजिए एक बार जैसे न्यूली मैरिड कपल की सर बात कर रहे थे तो अगर न्यूली मैरिड कपल है और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस ठीक हो गई और साइकोलॉजिकली तो वैसे ही ठीक था एंगजाइटी खत्म हो गई तो यू कैन स्टॉप द मेडिसिन नो 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 डिपेंडेंस अब्यूज पोटेंशियल नहीं है ऐसा नहीं है नॉर्मली ज्यादातर डिपेंडेंस उन चीज़ों की होती है जिनसे हमें मजा आता है जैसे अल्कोहल है स्मोकिंग है कोकेन है ओपियोइड्स हैं या हफीम या सारी चीज़ें हैं इवन चाय है चाय नहीं मिलेगी तो सर में दर्द होगी बट ये जो मेडिसिन होती हैं ज़्यादातर इनकी प्रॉब्लम नहीं होती है इसीलिए जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं या एंगजाइटी के पेशेंट जिनके लिए और इंडिकेशनस में यूज़ होती हैं मेडिसिन जब ये दवाइयाँ बंद कर देते हैं तो पेशेंट ठीक होता है वो बंद कर देता है दो तीन महीने बाद जब वो परेशान होता है तब वो दोबारा दिखाने आता है बिकॉज इल्नेस का रिलैप्स हो गया इसलिए नहीं कि मेडिसिन की वजह से कोई प्रॉब्लम आई दे आर सेफ गुड मेडिसिन डेफिनेटली एंटीकोल साइड इफेक्ट हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकती है नोजिया हो सकता है जी आई अपसेट हो सकता है दैट इज द प्रॉब्लम सर वो वैसे रैशनैलिटी नहीं है इवन प्रसिटी पम्प वो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता बिकॉजिटीज सर so, वो हर ऐसे इट इज नॉट फॉर दिस मेडिसिन ओनली दैट इज ट्रू उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ उसमें लिखा होता है पैराडॉक्सिकल सुसाइड पैराडॉक्सिकल सुसाइड का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली वी आर गिविंग मेडिसिन बिकॉज जो पेशेंट है उसका डिप्रेशन और जो इंग्जाइटी है और जो डिप्रेशन है वो ठीक हो जाए और अगर उसको सुसाइडल थाट्स भी आते हैं वो भी चले जाएँ अब होता क्या है कि वैन यू गिव मेडिसिन तो देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन ए पेशेंट सफरिंग फ्राम डिप्रेशन एक तो है ही साइकोलॉजिकली डिप्रेस उसका मन उदास रहता है रोने का मन करता है और किसी चीज़ में मन नहीं लगता और उसको सुसाइडल थाट्स आते हैं दूसरा है कि पेशेंट जो है बायोलॉजिकली भी डिप्रेसड है उसको ठीक से नींद नहीं आती घबराहट होती है बेचैनी रहती है थकावट रहती है तो वैन वी स्टार्ट एक्सरसराइज एंड वी ऑल्सो स्टार्ट बेंदो ताकि एंगजाइटी खत्म हो जाए नींद आ जाए तो बायोलॉजिकली तो वो दो हफ्ते में इम्प्रूव हो जाता है ही इम्प्रूव बट साइकोलॉजिकली ही टेक्स फोर टू सिक्स वीक्स टू इम्प्रूव तो वो जो गैप होता है दो से चार हफ्ते का दैट बिकम्स डेंजरस पीरियड बिकॉज पहले भी उसका मरने का मन करता था बट वो रस्सी खरीदने के लिए जाता नहीं था बिकॉज ही इज टू फील टायर्ड नाउ एक्चुअली ही फील्स एक्टिव तो एक्चुअली ही गोज एंड बाइज दैट रोप एंड ही किल्स सिल्फ सो दिस इज़ अ नोन एंटिटी तो जो भी ऐसा सारा स्पेसिफिकली जो फास्टर एक्टिंग है जैसे एसिटालोब्राम है फ्लॉक्साटीन है इवन वेलना फैक्सीन है ये जो दवाइयाँ हैं इनमें सुसाइडल रिस्क कहीं ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर है एंटीडिप्रेसेंट सो दैट इज द रीजनिंग फाइनो वाले क्या बोलते हैं देट आई कॉन्ट से बट मेडिकली ये है So, any antidepressant definitely can increase the risk of suicide, in, in, which is already present. Even at times, people who are not suicidal can have suicidal thoughts after starting the treatment of 1 to 2 weeks. So, it is duty of the psychiatrist or the physician to tell them what so, is treatment of PME, we should, what we should advise? PME is not depression, not suicidal so, so, so I don't know chances.

that is 20 mg by 3 weeks followed by 20 mg for 4 to 6 hours before the intercourse shows six times increase in time so jo bhi unka pehle ka time hoga up to four to six times jo uska time increase ho jayega as low as 20 mg per day or four to uh, starting स्टार्टिंग में हमें थ्री वीक्स तक रेगुलर देनी है बाद में वो एस ओ एस भी ले सकता है नेक्स्ट So, efficacy is for depression is comparable to tricyclic antidepressant, then these are all psychiatric indications and it is cardiac safe. It can be used in premature ejaculation with depression and anxiety. Children and pregnancy may be should avoid, and 20 to 60 milligram is the dose of plain and 25 to 75 for control release. Common side effect is sexual dysfunction, nausea, and increased sleep. Next. That's it. Thank you.